और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुछ शरारती तत्व हंगामा खड़ा करने से नहीं चूके। उन्होंने इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को तार तार करने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। होली भारत का अहम त्यौहार है जिसे लोग प्रेम और भाईचारे से मनाते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। इसे सभी धर्मों के लोग मनाते हैं क्योंकि रंग का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। मगर धार्मिक उन्माद में सिर से पैर तक डूबे शरारती तत्व त्यौहार के मौके पर भी हंगामा खड़ा करने से नहीं चूकते। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद जामिया मिलिया इस्लामिया में एक बार फिर होली मिलन के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी में छात्रों ने होली खेलने पर जमकर बवाल काटा। दरअसल 1 मार्च को कैंपस में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की रिंग युवा की तरफ से होली मिलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 50 छात्र मौजूद थे। आयोजन के दौरान कुछ छात्रों ने इस कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जता दी, जिसके बाद से इस पूरे आयोजन को बीच में रोकना पड़ा। एक लड़का जो दाढ़ी वाले थे और भी और 2-3 उनके साथ थे, वो आकर के किसी एक लड़की को बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाली दे रहे थे कि तुम ये काफिरों की ये इसमें क्यों देख रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है वो लड़की देख रही थी उधर सीढ़ी में बैठ करके, तो उसे काफिरों की त्यौहार ये सारी चीज़ों को तुम इसमें शामिल होकर क्यों देख रहे हो। तो फिर लड़की ने कहा कि नहीं नहीं ये तुम कहने वाले कौन हो, क्योंकि मेरे घर में तो मेरे अब्बू हैं, मेरे अम्मी हैं, ये लोग मुझे परेशान कभी नहीं कहते, वो लोग अरबी पढ़ते हैं जानते हैं। इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया ने BBC की PM मोदी पर प्रसारित डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी विवाद हुआ था। जिसमें छात्रों का कहना था कि वो इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जामिया में करवाना चाहते हैं। हालांकि बाद में विवाद जैसे तैसे थम गया। होली को लेकर उठे इस संग्राम ने जामिया मिलिया इस्लामिया को एक बार फिर विवाद के सेंटर में ला दिया है। इस पूरी घटना के बाद से युवा की तरफ से आयोजित इस होली मिलन के कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोक दिया गया और कैंपस परिसर में एक अलग माहौल को देखते हुए अब इस पूरे घटना की जो जांच है वो हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कराई जा रही है कि आखिर वो कौन से छात्र हैं जो शिक्षा के मंदिर में धार्मिक नारे लगा रहे हैं। कैमरामैन राम नरेश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।